हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने टॉवल से हेयर ड्राई की वीडियो। तो इस पर मुझे 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था कि आप अपने बालों को टॉवल से ड्राई कैसे करते हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं किस तरह से अपने हेयर को, मतलब टॉवल से किस तरह से अपने बालों को झाड़ती हूँ, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए टॉवल से अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लिया था 4-5 मिनट के लिए। तब तक मैंने जो भी मैं लगाती हूँ सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, वो लगा दिया था। और उसके 4-5 मिनट होते ही मैंने टॉवल को निकाल दिया। तो मेरे बाल बिल्कुल थोड़ा, मतलब हल्के से गीले हैं और वैसे सूख चुके हैं। तो इस तरह से टॉवल को अच्छी तरह से टाइट से बांध के रखेंगे तो हेयर जल्दी से सूख जाते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से जब भी बालों को धोती हूँ तो इसी तरह से अपने हेयर ड्राई करती हूँ टॉवल से। तो मैंने थोड़ी देर तक, कम से कम 4-5 मिनट तक ऐसे ही टॉवल से अपने हेयर को ऐसे ही लपेट के रखा था। थोड़ी देर पहुंचने के बाद मैं ऐसे ही रेगुलरली, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ऐसे ही टॉवल से लपेट लेती हूँ, और 4-5 मिनट बाद फिर मैं टॉवल को हटा देती हूँ अच्छी तरह से झाड़ के। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल अच्छी तरह से सूख चुके हैं, और वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे बालों को सूखने में, क्योंकि मेरे बहुत कम, ज़्यादा मतलब बहुत ही कम बाल हैं, ज़्यादा घने नहीं हैं, बहुत ही पतले बाल हैं मेरे और जल्द ही सूख जाते हैं। तो इसी तरह से मैं हमेशा ही, इसमें कोई दिखावा नहीं है, जैसे मैं रेगुलरली अपने जब भी हेयर वॉश करती हूँ, जिस तरह से अपने हेयर को ड्राई करती हूँ उसी तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वैसे किसी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई है मैंने। जब मैंने हेयर वॉश की वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन पहले, तो उसी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आप टॉवल से हेयर ड्राई कैसे करते हैं, तो उसकी वीडियो बनाओ प्लीज़। इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड की। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सूख गए हैं मेरे बाल, देखिए। और सिर्फ शैम्पू बालों पे मैंने अप्लाई किया, कंडीशनर नहीं लगाया। कंडीशनर लगाऊंगी, 1 महीने बाद लगाऊंगी मैं। तो देखिए मेरे बाल, थोड़ा सा हल्की सी कंघी लगाई मैंने, क्योंकि उस समय बाल गीले थे, तो ज़्यादा गीले बालों पर कंघी नहीं लगानी चाहिए। जब हल्के गीले हों और थोड़ा बहुत सूख गए तब कंघी लगानी चाहिए। तो देख लीजिए मेरे बाल अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। तो गाइस, वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और जो नए लोग हैं वो करना चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।